चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए स्पेशल एसी ट्रेन जब चली तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था की गई। यहाँ पर लोगों में उत्साह रहा क्योंकि पहली ऐसी ट्रेन है जो स्पेशल एसी ट्रेन है नई दिल्ली के लिए चेन्नई से रवाना हुई लॉकडाउन के दौरान। तो कहीं ना कहीं तमाम फंसे हुए लोगों के लिए ये राहत भरी खबर रही। लता यादव एंड आई एम वर्किंग ओवर हियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। माय नेटिव इज हरियाणा एंड फाइनली इंडियन रेलवे हैड प्रोवाइडेड अस ट्रेन टू इन ऑर्डर टू ट्रैवल टू आवर नेटिव एंड ऑल। या सो थैंकफुल टू इंडियन रेलवे दैट फाइनली वी आर मूविंग टू आवर नेटिव एंड इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर, यू नो, फाइनली गोइंग एंड मीटिंग अ फैमिली। Yes, I was staying here around 50 days over here. Although everything was provided by my company, but still, you know, being at home is something different which we all wanted to. So, thanks a lot to Indian Railway for this great appeal. Thank you. भारतीय रेलवे तमाम लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम हमेशा करती रही और इस दौरान दोबारा शुरू होने पर लोगों में राहत है। मेरे को इधर पोर्ट के अंदर कुछ काम था तो 24th को फ्लाइट कैंसिल हुआ तो उसके बाद कुछ भी सिस्टम नहीं बना जाने के लिए। बट रेलवे हैज़ मेड दिस अरेंजमेंट, दिस इज़ रियली गुड एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस देयर अरेंजमेंट टू हैव द एंट्री इन दैट दिस स्टेशन, रियली गुड, नाउ आई एम हैप्पी। चेन्नई और नई दिल्ली के बीच 15 तारीख को पहली ट्रेन चलाई गई। ये राजधानी क्लास की स्पेशल एसी ट्रेन है। अमूमन बड़े डेस्टिनेशंस के लिए हजारों ट्रेन इधर से उधर चलती हैं लेकिन लॉकडाउन के काल में, कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में ये ट्रेन सेवा भी एक तरीके से लग्जरी हो चुकी है। बहुत दिनों से चेन्नई आगरा जाने के लिए इंतजार कर रहा था, 3 महीने से लॉकडाउन में पता हुआ था। आज मुझे देख के बहुत बड़ी खुशी हो रही है, हमारे भारतीय रेलवे ने ये ट्रेन चालू करके, और बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय रेलवे का। दादी माँ के लिए मिलने के लिए थैंक्स टू इंडियन रेलवे।